देश भर में कोरोना संकट कम होता नजर आ रहा है। ऐसे में राज्यों द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ बढ़ना अनिवार्य हो गया है। बता दें कि हरियाणा में भी छूट के साथ लॉकडाउन खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि कोरोना के डर की वजह से अभी हरियाणा में लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खोला गया है। इसी के कारण लॉकडाउन अभी 21 जून तक रहने वाला है। आपको बता दें कि हरियाणा में दुकानों के ऊपर से ऑड इवन का सिस्टम भी हटा दिया गया है। साथ ही साथ अब दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकेंगी। परंतु इसी बीच राज्य में नाइट कर्फ्यू अभी नहीं हटाया गया है। सूत्रों के अनुसार केवल 50% संख्या के साथ ही रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं, जिसमें होम डिलीवरी केवल रात 10 बजे तक ही उपलब्ध रह सकेगी। हरियाणा सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन के मुताबिक अभी केवल अंतिम संस्कार और शादियों में केवल और केवल 21 लोगों की ही मौजूदगी मान्य है, परंतु बारात या शादी की पार्टी नहीं की जा सकती है। जानकारी के अनुसार अगर कोई समारोह 50 लोगों की उपलक्षता में होता है तो ऐसे समारोह के लिए कमिश्नर की इजाजत जरूरी होगी। सूत्रों के अनुसार जिम सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकते हैं, जिसमें केवल 50% लोगों की ही अनुमति है। आगे की बात करें तो धार्मिक स्थलों में भी एक बारी में केवल 21 लोग ही जा सकते हैं। बता दें कि हरियाणा में अभी सभी प्रकार के शैक्षिक संस्थान भी बंद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के द्वारा अभी लॉकडाउन में पूर्ण छूट नहीं दी गई है और यह फैसला कोरोना के ना बढ़ने की वजह से लिया गया है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया भर की बड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।